नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष नाथ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। और आज विजयादशमी का दिन है, तो सबसे पहले आप लोगों को विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरे पास मेरा ड्रोन आ गया है, जो जिसको कि मैंने परसों यानी कि 3 अक्टूबर को ऑर्डर किया था, और आज है 5 अक्टूबर और ये मेरे पास आज ही डिलीवर हुआ है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर मैं इसका आप लोगों को विजुअल दिखाता हूँ, इसका इससे कैसा व्यू आ रहा है वो मैं दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह के पैकेट में आया है। इसको मैंने designinfo.in से ऑर्डर किया था और बहुत ही अच्छे पैकिंग में आया है। तो चलिए सबसे पहले इसको अनरैप करते हैं और उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ कि ड्रोन कैसा है। तो ये है मेरा DJI का Mavic Mini और अब इस पैकेट को खोलते हैं, उसके बाद ड्रोन को बाहर निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले मुझे मिल रहा है ये बैग, एक बैग है, उसके साथ ये एक और बॉक्स है और तो इसमें शायद यूजर मैनुअल होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ इसमें कुछ ये यूजर मैनुअल्स हैं। इसको मैं साइड में रख देता हूँ सबसे पहले, और ये शायद बैटरीज होगी इसकी। ये मैंने 5 मोर कॉम्बो लिया है, तो इसके साथ कुछ स्पेयर बैटरीज भी मिली है मुझे। हाँ इसमें बैटरीज है, 3 बैटरी है इसमें, और इसमें शायद चार्जिंग, हाँ ये चार्जिंग एडेप्टर, इसके साथ इसमें और कुछ नहीं है। और अब इस बॉक्स को खोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या मिलता है। ओके, तो इसमें ये साइड में ये इसका प्रोपेलर गार्ड है। एक बार मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, हाँ तो ये इसके साथ मुझे एक प्रोपेलर गार्ड मिला है। अभी फिलहाल कुछ दिन मैं प्रोपेलर गार्ड के साथ ही उड़ाऊंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कोई ड्रोन फ्लाई करने वाला हूँ। तो कुछ दिनों तक तो पहले प्रोपेलर गार्ड लगा करके ही सीखूंगा कि कैसे फ्लाई करना है। तो ये कुछ ऐसा प्रोपेलर गार्ड आता है, तो इसको भी फिलहाल साइड में रखते हैं। और अब बारी है इस बैग की, तो ड्रोन मेरा इसी में है, तो अब इस बैग को खोलते हैं और फिर इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ओके, तो ये है मेरा DJI का Mavic Mini, फोकस कर ले, हाँ तो ये है मेरा DJI का Mavic Mini। ये देख सकते हैं मेरे पाम के साइज का है, बहुत ही छोटा और लाइट वेटेड। इसको अब साइड में रखते हैं। इसमें बैटरी का चार्जर है। ओके, तो ये रहा इसका बैटरी का चार्जर, तीनों बैटरी इसमें एक साथ ही चार्ज हो जाएगी। और इसमें शायद चार्जिंग केबल होगा टाइप सी, नहीं इसमें कुछ कनेक्टर्स दिए हुए हैं जिसको कि मोबाइल और रिमोट से कनेक्ट करना होगा। तो ये कुछ कनेक्टर हैं, इसको भी साइड में रखते हैं। उसके बाद ओके, तो ये शायद रिमोट में लगाने के लिए होगा। इसमें देखो क्या है, इसके साथ ये ओके, तो ये शायद चार्जिंग केबल है, तो भी साइड में रखते हैं।
टेबल है, एक और टेबल है, तो डिफरेंट टाइप के टेबल्स दिए गए हैं सामने, ताकि तो इसमें एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर मिला है, शायद ये प्रोपेलर को सेट करने के लिए होगा, पता नहीं मुझे तो अभी पता नहीं है क्या है नहीं है, तो जब इसको यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। और इसमें एक और केबल दिया गया है, तो ये भी टाइप के टाइप का केबल है, तो दो पेयर टाइप के का केबल है और कुछ खास नहीं है इसमें। यहाँ और है एक, ये तो रिमोट है, रिमोट को मैं बाद में दिखाता हूँ इसमें क्या है वो देख लेते हैं। ओके, तो इसमें एक्स्ट्रा प्रोपेलर दिए हुए हैं। ओके, तो ये एक्स्ट्रा प्रोपेलर है, एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। प्रोपेलर विथ स्क्रू के साथ है, इसको अगर फाड़ दें यहाँ से, हाँ तो ये प्रोपेलर्स इसमें हैं। ठीक है, इसको भी साइड में रखते हैं आप। और ये है इसका रिमोट कंट्रोल, तो ये है इसका रिमोट कंट्रोल, तो यही था। और अब चलते हैं छत पे, फिर ड्रोन को फ्लाई करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका विजुअल कैसा आता है। तो अब मैं इसका फ्लाइट टेस्ट करने वाला हूँ, तो इसको पहले ऑन करते हैं, पेयर करते हैं और फिर इसको उड़ाते हैं। तो अभी ये पेयर हो रहा है, पेयर हो चुका है, अब इसको ऑन करेंगे। ओके, और अब मेरा ड्रोन टेक ऑफ होने के लिए रेडी। Thank you.
आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस महीने 27 तारीख को यानी कि 27 या 28 अक्टूबर को मेरी एक राइड स्टार्ट होने वाली है। मैं कटिहार से पहले जाऊंगा सिक्किम ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट सिक्किम घूमने के बाद मैं चला जाऊंगा वहां से नेपाल। और नेपाल में एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा वैली है जो कि दार्जिलिंग से सटा हुआ है। नेपाल के उस प्लेस को घूमने के बाद मैं वहां से निकल जाऊंगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन राइड सीरीज़ होने वाली है मेरी ये वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया है और यहाँ तक अगर आप लोगों ने देखा है और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मुझे ये भी सलाह दें कि मैं अपने वीडियो या मैं अपने परफॉर्मेंस को कैसे आप लोगों के लिए बेहतर कर सकता हूँ, तो आपका सुझाव मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।